इससे हम कटिंग प्रोग्राम की जो कि लेथ मशीन में बनाया जाता है। लेथ मशीन में पहले तो हम आपको बताते हैं हमेशा कि लेथ मशीन का प्रयोग नॉर्मली राउंड जॉब को बनाने के लिए ही किया जाता है। राउंड जॉब में हम अनेक प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं, इसमें से एक ऑपरेशन होता है हमारा होता है स्टेप टर्निंग। आखिर में स्टेप टर्निंग होता क्या है? स्टेप टर्निंग एक लेथ मशीन का प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग डायमीटर के अलग अलग डायमीटर होते हैं, इनकी जिनकी साइज अलग अलग होती है। इसको हम एक सीढ़ी कटिंग भी बोल सकते हैं या फिर एक सीढ़ी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारा डायमीटर्स होते हैं एक सीढ़ी बाय सीढ़ी में चलते हैं। जैसे इसका डायमीटर एक छोटा है और इसका डायमीटर बड़ा है, तो ये एक छोटी सीढ़ी हो गई और एक बड़ी सीढ़ी हो गई। सेम ऐसा ही इसमें सीढ़ी में चलता है। जब सीढ़ी में हम कटिंग करते हैं या विभिन्न मल्टी डायमीटर में हम जब टूल द्वारा कटिंग करते हैं तो उसको स्टेप टर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं स्टेप टर्निंग प्रोग्राम की। तो ये हमारा एक जॉब है जिसका मेजर डायमीटर 100 है और एक माइनर डायमीटर 96 है। ठीक है, हमारे पास एक 102 एमएम का हमारा रॉ मटेरियल कितना है 102 हमारा जो रॉ मटेरियल है वो 102 एमएम का है। ठीक है, इसको हमें 102 एमएम का है और इसको हमें बनाना है 100 और 96 का। इसकी लेंथ हमने ले ली 150। रॉ मटेरियल की लेंथ कितनी है हमारी 150। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए जब भी हम कोई स्टेप टर्निंग बनाते हैं, फेसिंग प्रोग्राम करते हैं या टर्निंग प्रोग्राम करते हैं या टेपर टर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो इसमें हमेशा साइड कटिंग टूल्स या टर्निंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं कि हमारा ये टरेट होता है, ये लेथ मशीन का टरेट है जिसमें यहाँ पर 8 टूल 10 टूल या 15 टूल या जो भी है 16 टूल 24 टूल आदि अन्य प्रकार के टूल बंद होते हैं। जिसे हमारा टैरेट होता है, जिस हमारा टूल जिस टैरेट बंद होता है वहां पर हम उसको जॉब के सेंटर में लाते हैं। पहले हम हमारा टूल है उसको हम जॉब के सेंटर में लाएंगे और उसके बाद में फिर उसका ऑप्शन लेकर उसकी टर्निंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम। तो पहले आता है तुम्हारा प्रोग्राम, जब भी हम कोई बनाते हैं तो दो टाइप से प्रोग्राम बनाते हैं। पहला होता है स्टेप टर्न, पहला होता है इंक्रीमेंटल और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के लिए हम G90 कोड यूज करते हैं और इंक्रीमेंटल के लिए हम G91 कोड यूज करते हैं। तो आइए हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो एब्सोल्यूट प्रोग्राम है। ठीक है, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्राम। इसके बाद आता है आपका प्रोग्राम नंबर। मान लीजिए कि हम दो नंबर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जो दो नंबर के जो सामने जो लिखा रहता है अंक, जिसे ये ओ लिखा हुआ है, तो ओ यहाँ पर आ जाता है कि आपका प्रोग्राम नंबर कितना है। तो इसको ओ पर जो हमारा प्रोग्राम नेम कर सकते हैं, तो उसको हम कर सकते हैं प्रोग्राम ओ के द्वारा। इसके बाद पहले जब भी आप कोई टूल्स को चलाया जाता है तो सबसे पहले उसको होम पोजीशन पर लाया जाता है। तो होम पोजीशन पर टूल को लाने के लिए हम G28, U0 और W0 का प्रयोग करते हैं। तो आइए हमने टूल को जो हमारा जो कैरेट है उसको हम पहले होम पोजीशन ले गए। अब ले जाने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, टूल नंबर, हमें किस टूल को चलाना है वो नंबर हम इसमें लाते हैं, डालते हैं प्रोग्राम में। तो हम यदि 5 नंबर टूल चला रहे हैं तो हमें 5 नंबर टूल को आगे लाना पड़ेगा। तो
तो हम यहाँ पर प्रोग्राम में डालेंगे T05 एंड ऑफ लॉक। यहाँ पर T05 हमारा टूल नंबर है और 05 इसके पीछे का जो भाग है 05 ये हमारा ऑफसेट नंबर है। जब भी आप 5 नंबर टूल चलाते हो तो 5 नंबर टूल के पीछे जो पॉइंट रहता है, जो पॉइंट जैसे ऑफसेट जिस ऑफसेट दे रखे हमें, हमारा जो 5 नंबर टूल का ऑफसेट हमने किस जगह पर किस टूल में दिया है या किस ऑफसेट में दिया है वो हम पीछे लिखते हैं। जिसे मैंने 5 नंबर टूल का ऑफसेट 5 नंबर के लिस्ट में दिया है तो उसमें हम 5 नंबर टूल का ऑफसेट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टूल रोटेशन, सॉरी तुम्हारा जॉब रोटेशन। हमें जॉब को रोटेट करना पड़ेगा तभी हमारी टर्निंग होगी। तो जॉब को रोटेशन करने के लिए हम कोड यूज करते हैं G97। G97 हमारा टू जॉब रोटेशन या चक रोटेशन का कमांड है, ठीक है। G97 और S1000। जब हम कोई जॉब है हमारा उसको हम जितने RPM पे घुमाते हैं वो RPM वहां पर S के द्वारा दर्शाया जाता है और यह RPM 1000, जिस हमने 1000 लिखा तो हमारा जो जॉब है वो पर मिनट 1000 राउंड तय दूरी कितना घूमेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा M04, मतलब हमारा जो जॉब है उसको क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज करवाना है वो आपके टूल के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हमारा टूल सामने बंधा हुआ है, ऐसे में बंधा हुआ है तो इसलिए हम इसमें हमेशा इसमें बंधा हुआ है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए हमारे पास कोड आता है M04। M04 में हम चक को एंटी क्लॉकवाइज या स्पिंडल को एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं। इसके बाद हम कुछ कोड यूज करते हैं जैसे G10, G98, G21, M07 या M08, ठीक है। ये कोड आपको हर प्रोग्राम के हेडर में डालना होता है। इसमें G10 ये जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसको रीड करता है हमारा कंप्यूटर, इसके द्वारा ही रीड करता है। तो यह एक प्रोग्राम रीड कमांड है, इसके द्वारा प्रोग्राम को रीड किया जाता है। इसके आता है G98, यह एक इनिशियल पॉइंट्स प्रोग्राम है, जिसके द्वारा जो भी हमारे प्रीवियस पॉइंट होते हैं जहां पर हम उसको ले जाते हैं तो वो पॉइंट को ये रीड करता है। इसके बाद थर्ड वाला आता है हमारा G21, मतलब हमारा मैट्रिक प्रोग्राम या इनपुट इन MM, मतलब जब भी हम कोई मैट्रिक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हमें MM में इनपुट करना पड़ता है। तो MM में इनपुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें G21 का प्रयोग करना पड़ता है। यदि आप कोई मैट्रिक में प्रोग्राम बना रहे हो या इंच में प्रोग्राम बना रहे हो तो उसके लिए हम G20 यूज करते हैं, ठीक है। आता है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट कोड M07। M07 का प्रयोग हम कूलेंट को ऑन करने के लिए करते हैं, ठीक है। जितना आप समझ गए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया था कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है 102 MM, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टूल है टूल को क्या हम एक बार में समथिंग 5 MM 7 MM का कट भी ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास मटेरियल कितना है, वेस्ट मटेरियल कितना है, सिर्फ 2 MM मटेरियल है तो हमें एक बार में इसको कटिंग करते हुए 2 MM को रिमूव करना है। तो कितनी लेंथ है हमारे जॉब की लेंथ कितनी है 150, तो हमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट तक 150 MM तक हमें इसकी कटिंग करना है। तो चलिए हम कटिंग करते हैं। पहला आता है हमारा G00। G00 में हमें टूल को स्पीड में एयर मोशन के साथ पास में लाया जाता है, मतलब जब भी टूल को हमें स्पीड से यदि हमारा टूल यहाँ पर हो वैसे रहता है तो काफी दूर रहता है, समथिंग 400 MM के समथिंग दूर रहता है, तो उसको पास में लाने के लिए हम क्या करते हैं G0 का प्रयोग करते हैं। G00 रैपिड मोशन, इसके द्वारा हम टूल को स्पीड से पास में लाते हैं। तो G0 का प्रयोग किया, इसके बाद हमें टूल को कहां पर लाना है जिससे कि हमारा जॉब आसानी से बन सके या हमारी कटिंग आसानी से कर सके,
तो हम हमारा जो डायमीटर है ये हमारा ये जो डायमीटर है अब हमको क्या करना है पहले टूल को कहां लाना है इसके बिल्कुल सिद्ध में ताकि हमारा जो एक जो 100 का जो डायमीटर का हमें बनाना है पार्ट वो आसानी से बन जाए तो हमें टूल को कहां पर खड़ा करना है 100 पर 100 डायमीटर पर हमें टूल को खड़ा करना है एक्स पोजीशन में इसमें एक्स पोजीशन में तो हम टूल को लाते हैं तो 100 पर हमें 100 पर कटिंग करना है तो 100 पर कटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक्स 100 पर खड़ा करना पड़ेगा। हम आपको ये बता देते हैं कि जो एक्स वाली जो वैल्यू होती है वो डायमीटर में दी जाती है और जेड वाली वैल्यू होती है वो लेंथ में दी जाती है। ठीक है तो इसमें हमने एक्स 100 कर दिया इसके बाद हमारे जेड जेड हमें क्या करना पड़ेगा यदि हमने जेड यहाँ पर 0 किया है तो इसको 2 mm पहले रखना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर 2 mm पहले रख लिया ताकि हमारा जो टूल है वो जब स्पीड से आएगा तो यहाँ पर रुक जाएगा और हमारा जॉब है वो सुरक्षित रहेगा और हमारा टूल भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं जेड 2.0 हमने यहाँ पे इसको और एंड ब्लॉक लगा दिया। ठीक है इसके नेक्स्ट स्टेप अब हमने यहाँ पर टूल को लगा दिया इसके बाद में हम टूल को हल्का सा पास में जाएंगे पास में ले जाते हुए इसको सीधे ही हम चला देंगे। तो हम सीधे चलाएंगे तो हमें लीनियर मोशन की जरूरत पड़ती है लीनियर मोशन के लिए या लीनियर इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए हम कोड यूज करते हैं G01। तो हमने यहाँ पर G01 कोड यूज किया है और जैसे हमें कितना डायमीटर बनाना है 100 तो 100 हमें यहाँ लिख दिया है या इसको लिख सकते हो या इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले हमारी मशीन रीड कर चुकी है। अब हमें कितनी लेंथ में जाना है 150 mm। अब जब हमें सेंटर है हमारा ये सेंटर है सेंटर से जब हम इधर जाते हैं लेफ्ट की ओर जाते हैं और जब हम राइट की ओर जाते हैं तो प्लस वैल्यू हो जाती है। ठीक है हम जब लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस वैल्यू जाती है और जब राइट में जाते हैं तो प्लस वैल्यू जाती है। अब हमें टूल को माइनस की ओर ले जाते हुए इसका 100 के डायमीटर में कटिंग करना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जेड है इसको हम माइनस जेड से ले जाएंगे तो जेड जब हमारा माइनस जेड से जाएगा फिर यदि हमने 0.2 एंड ऑफ ब्लॉक कर दिया अब यहां से हमारा टूल कटिंग करते हुए यहां पर इस कॉर्नर पर आ जाता है। अब इस कॉर्नर पर आने के बाद टूल को वापिस हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाने के बाद इसको होम पोजीशन ले जाएंगे या होम पोजीशन नहीं ले जाना है तो इसमें हम आगे टर्निंग यहां पर आगे यहां पर हम स्टेप करेंगे है ना। तो पहले टूल को ऊपर उठाते हैं तो ऊपर उठाने के लिए हम G00 प्रयोग करते हैं और एक समय हम कितना उठाना है यहाँ पर 100 तो बना चुके हैं तो हमें जाया सके हम 102 उठा लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी या एक्स्ट्रा भी उठा सकते हो। हमने यहाँ 100 में उठाया 102.0 इसको पटक उठा लिया इसके बाद हम इसको पीछे ले जाते हुए कहाँ पर ले जाएंगे Z1.0 पर। जब हम Z1.0 पर ले जाएंगे तो ये आसानी से कटिंग कर लेगा कटिंग आसानी से यहां से आता हुआ यहां पर आ जाएगा यहां पर खड़ा हो जाएगा। अब यहां पर खड़ा हो जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना है इसको नीचे लाना है हमें डायमीटर कितना बनाना है ये वाला डायमीटर। चलो ये एक बड़ा वाला डायमीटर तो बन चुका है 100 का बन चुका है लेकिन इसके बाद माइनर डायमीटर बनाना है वो भी कितने लेंथ में 50 mm की लेंथ में। तो हम इसके लिए क्या करते हैं पहले टूल को हमने टूल को यहां पर ले आए थे 102 के डायमीटर पर और जेड प्लस वन में अब हमें डायमीटर कितना बनाना है 96 तो पहले हम दो कट लगाएंगे एक 98 का लगाएंगे और एक 96 का लगाएंगे तब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है तो हमने 98 का लगाया तो हम जो भी लगाएंगे तो पहले G0 X90 बनाएंगे टूल को X90 पर ले आए और Z00 पर कर दिया। ठीक है
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम टर्निंग करेंगे, कितना करेंगे 50 mm। तो टर्निंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो है ना, हम क्या लगाएंगे, लीनियर इंटरपोलेशन। तो लीनियर इंटरपोलेशन लगा दिया और G98 ये नहीं लिखने की जरूरत है, मत लिखो सीधे, यहाँ कितना करना है हमें, डेढ़ में 50 और ये इधर आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस में 50 हो गया और एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया। अब हमारा जो पुल है वो माइनस में यहाँ पर 50 आ गया है। अब आने के बाद इसको है ना, इसको हम ऐसे में उठा कर, इसको तिरछा उठा कर, इसको हमेशा तिरछा उठाना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारी सरफेस है ये खराब हो जाएगी। तो इसको हमें क्या करना है, तिरछा लेकर और वापिस हमें वापिस ले जाना है। तो हम उठाएंगे इसको G0 में, ठीक है, G0 और एक्स हम अंटर, अभी हमने अंटर बनाया था, इसको 100 रख लेंगे, ठीक है 100 ले लेंगे और जेड तुम्हारा ले लेंगे हम, कौन सी ले लेंगे हम, जेड दे दिया, तिरछा पॉइंट वन ले लिया हमने, 1.0 ले लिया। इसके बाद हम वापिस हमारा पुल है वो ऐसे में होता हुआ यहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें वापिस इसके डायमीटर पर लेना है, अंदर डायमीटर पर डायमीटर बनाना है, चैन में चैन बनाने के लिए हम उसको वापिस चैन पर लेना पड़ेगा तुम लोग। तो हमने चैन पर लिया G0 X 96.0 और डेड 0.0 आ गया। हमारा टूल यहाँ पर इसकी सरफेस पर, यहाँ पर हमारा टूल खड़ा हो गया है ना, यहाँ पर हमारा टूल खड़ा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कटिंग करेंगे, कटिंग करते हुए इसको ऊपर कॉर्नर तक ले जाएंगे और इसको आगे फिर इसको होम पोजीशन करवाएंगे। तो हम G01 लगाएंगे, G01 एक्स लिखने की जरूरत नहीं है हमें, सीधे हम जेड कितने लिखेंगे, -50 लिख दिया, -50 लिखने के बाद में फिर हम यहाँ पर एंड ऑफ ब्लॉक लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा कटिंग करते हुए हो गई। इसके बाद हम जब पुल को ले जाएंगे तो ऊपर की ओर ले जाएंगे है ना, तो हमने जी ये हम जाएंगे G01 में, इसमें ले जाएंगे G01 में, तो G0 X 100, ठीक है X 100 और जेड हमारा -50 ही रहेगा, ये हो गया। अब हमारा टूल यहाँ पर आ गया, ऐसा करते हुए ऐसा ऊपर में चला गया, ठीक है। यहाँ से हमने ऐसे किया और इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ के बाद में इसको हल्का सा ऊपर उठा के और होम पोजीशन करवा देंगे, तो G0 X 102 ये लिख दिया हमने। अब इसको हम करवाएंगे होम पोजीशन, तो हमारा टूल यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ से हम उसको होम पोजीशन करवा सकते हैं। तो होम पोजीशन करवाने के लिए हमने क्या किया, तो वहां से भी चला जाता ना, G28 U0 W0 इसमें हमारा मशीन जो हमारा टूल है वो होम पोजीशन चला जाएगा। और हमने जब कूलेंट, हमने जब स्पिंडल ऑन किया था तो उसको बंद करना है, M02 को बंद करने के लिए M05 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और कूलेंट बंद करने के लिए M09। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसके हम लिख सकते हैं आपको प्रोग्राम एंड रीसेट, एंड रीसेट प्रोग्राम है, M30 का फुल फॉर्म होता है या इसका कमांड है, और G M09 हमारा प्लेट।